जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत के विरोध में कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए हैं। 12 मई को हुई राहुल भट्ट की हत्या का विरोध जताते हुए कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकवादियों द्वारा राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। अधिकारियों ने कहा कि सैकड़ों कश्मीरी पंडित अपने समुदाय के एक सदस्य की हत्या के विरोध में गांदरबल जिले के टोला मोला में एकत्रित हुए। मेरा नाम प्रदीप किसरू है, मैं टीचर हूँ, लगा हूँ एज ए पी एम पैकेज 2010 में। चलो सर, अच्छा। अभी हाल ही में आप सब लोगों को पता है कि एक पीएम पैकेज एम्प्लॉई जो बहुत ही ईमानदार था, ईमानदारी से काम करता था, 2010 से वो तहसील ऑफिस में था, काम करते करते ऑफिस आवर्स में उसका कत्ल किया गया सरेआम, और कातिल वहाँ से अच्छी तरह से बाहर निकल गए। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एश्योर किया कि कश्मीरी पंडितों की डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया जाएगा, वो कहाँ है? क्या यही गोलियां वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? हमारा एहतजाज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है कि वो पिछले 11 सालों 12 सालों में हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन रहे। जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, हम वही चाहते हैं कि वो बंद हो। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि जो बेगुनाहों का मारना, ये जो सब चल रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्यों एक जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, तो उसको क्यों मारेंगे? इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे आए हैं, इसलिए हम घरों से बाहर निकल के आए हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट एक ही कम्युनिटी की तो हम बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मुसलमानों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है, हिंदुओं को भी मारा गया है, सारे बेकसूर थे, किसी का कोई कसूर नहीं। अधिकारियों ने कहा कि 12 मई को बडगाम जिले के चदूरा में राहुल भट्ट की उनके कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त मामले में कार्रवाई की जा रही है, जल्द से जल्द राहुल को न्याय दिलाया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गांदरबल से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।